नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सड़क नहीं तो वोट नहीं के मामले में गंभीर हुई सरकार। सड़क से वंचित बसावटों को 12 मासी सड़क से जोड़ने की तैयारी। विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को जारी किए निर्देश। आज पटना में बापू टावर का उद्घाटन। 35 टन तांबे की परत से बना देश का पहला भवन। जानिए बापू टावर से जुड़ी खास बातें। राज्य के सभी जिलों में बनेगा ट्रैफिक पार्क। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति बढ़ेगी जागरूकता। पहले चरण में पटना मुजफ्फरपुर समेत कई जिले हैं शामिल। क्या आपके जमीन पर कोई दूसरा कर रहा दाखिल खारिज? हमारे द्वारा बताए गए प्रोसेस से करें पता। गलत दाखिल खारिज होने पर दर्ज कर सकते हैं आपत्ति। लंबे समय बाद अपनी बेटी से मिले मोहम्मद शमी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बेटी से मुलाकात में भावुक हुए टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सड़क नहीं तो वोट नहीं, इस मामले पर अब नीतीश सरकार गंभीर हो चुकी है। प्रदेश के कई जिलों में खराब सड़क के कारण लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में राज्य के कई जिलों में मतदाताओं ने मतदान बूथ पर वोट का बहिष्कार किया था। इस चुनावी मौसम में कई बसावटों की जानकारी सरकार इकट्ठा कर रही है, जहाँ मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। इन स्थानों पर सड़कें दुरुस्त करने की तैयारी है। ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी डीएम को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समय रोड नहीं तो वोट नहीं की बात कहकर स्थानीय जनता वोट का बहिष्कार करती है, इसलिए सड़क संपर्क से वंचित ऐसी बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर 12 मासी सड़क से जोड़ा जाएगा। बीते दिन कैबिनेट बैठक के दौरान आगामी वर्ष 2025 की छुट्टियों के कैलेंडर को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें आगामी वर्ष में गुरु गोविंद सिंह के जन्म दिवस के लिए 2 अलग-अलग दिन जनवरी और दिसंबर में छुट्टी दिए गए हैं। वहीं आगामी वर्ष में सरकारी कर्मचारियों को 4 छुट्टियां ज्यादा मिलेंगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि अगले वर्ष के लिए एनआई एक्ट के तहत 21 और ऐच्छिक अवकाश के लिए 22, वहीं कार्यपालक आदेश के तहत 16 छुट्टियां स्वीकृत की गई हैं। इसके अलावा पहले अप्रैल मंगलवार को भी वार्षिक लेखाबंदी के लिए अवकाश की घोषणा हुई है। आज सीएम नीतीश गांधी जयंती के अवसर पर पटना में नवनिर्मित बापू टावर का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह का आयोजन शाम 4 बजे से शुरू है। वर्ष 2018 में आज के दिन सीएम नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर इसका शिलान्यास किया था। बापू टावर के निर्माण लागत करीब 129.38 करोड़ रुपये है। ये बापू टावर करीब 7 एकड़ में फैली हुई है। 10,503 वर्ग मीटर में बने बापू टावर में 2 भवन हैं। एक भवन वृत्ताकार 6 मंजिला है तो वही दूसरा 5 मंजिला गोलाकार है। इसके बाहरी भाग पर 35 टन तांबे की परत लगाई गई है। इस तरह से बनने वाला ये देश का पहला भवन है। गोलाकार भवन के भूतल पर ऑडिटोरियम भी है, जिसमें 60 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। बापू टावर में प्रवेश के लिए 3 मुख्य द्वार हैं। राज्य के सभी जिलों में ट्रैफिक पार्क बनाने का फैसला लिया गया है, ताकि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा सके। ये फैसला बिहार परिवहन विभाग ने लिया है, जिसमें योजना के पहले चरण में ट्रैफिक पार्क का निर्माण प्रदेश के पटना, गया, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और गोपालगंज जिले में होगा। इस परियोजना का कार्यान्वयन भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। विभागीय बैठक के बाद भवन निर्माण विभाग को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इन जिलों में पार्क निर्माण का कार्य पूरा होने के बाद अन्य जिलों में भी परियोजना की शुरुआत भवन निर्माण विभाग द्वारा की जाएगी। राजगीर में प्रस्तावित हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सफल आयोजन के लिए बैठक हुई है। ये बैठक बिहार पुलिस के डीजीपी आलोक राज की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान कई एजेंडों पर और बिंदुओं पर चर्चा हुई है। साथ ही पदाधिकारियों की भूमिका और उत्तरदायित्व के निर्वहन के संदर्भ में समीक्षा की गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस कार्यक्रम में भारत समेत अन्य देशों की 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें चीन, थाईलैंड, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान शामिल है। 11 नवंबर से 20 नवंबर तक हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होगा। बिहार के राजगीर में 4 नवंबर को भारतीय टीम आएगी, वहीं 8 नवंबर को अन्य टीमें आएंगी। ट्रॉफी टूर को सीएम नीतीश 14 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाएंगे। 20 अक्टूबर से 9 नवंबर तक बिहार के कई जिलों में ट्रॉफी टूर का आयोजन होगा।
बिहार में जमीन सर्वे चल रहा है। इसी बीच प्लॉट को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जिसके तहत जमीन मालिक अपने प्लॉट पर किए गए दाखिल खारिज आवेदनों की जानकारी भी ले सकते हैं। यदि इस दौरान किसी गलत या अवैध आवेदनों की जानकारी मिलती है तो उसके खिलाफ जमीन मालिक ऑनलाइन तरीके से आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। ये व्यवस्था भूमि सुधार विभाग द्वारा लागू की गई है। यदि कोई आपकी जमीन पर गलत तरीके से दाखिल खारिज की कोशिश करता है तो इस पर आपत्ति दर्ज कर इसे तुरंत रुकवा सकते हैं। दाखिल खारिज की ऑनलाइन स्थिति देखने के लिए आपको parimarjan.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां अपने जिला, अंचल और वर्ष को चुनकर प्रोसीड बटन पर क्लिक करें, फिर मौजा और प्लॉट संख्या भरकर सर्च बटन पर क्लिक करें। ऐसा करते ही उस साल आपके प्लॉट पर दाखिल खारिज के लिए किए गए आवेदनों की सूची दिखाई देगी। यदि आवेदन नहीं हुआ है तो डेटा उपलब्ध नहीं है, इसकी सूचना मिलेगी। एक बार फिर से बिहार में फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक की नौकरी करने का मामला सामने आया है। ये मामला बिहार के मोतिहारी का है, जहां निगरानी विभाग ने 14 शिक्षकों को चिन्हित कर बंजरिया, पीपर कोठी, पिपरा कोठी और तुरकौलिया थाने में मामला दर्ज करवाया है। फर्जी प्रमाण पत्र पर पकड़े गए इन 14 फर्जी शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक चुकी है। आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे नियोजित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शिक्षकों के शैक्षणिक योग्यता की जांच निगरानी विभाग कर रहा है। बिजली आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत 60 करोड़ की लागत से प्रदेश के 12 जिलों में 33 केवी की 24 नई लाइनें बिछाने की मंजूरी दी गई है। सरकार के इस फैसले से नालंदा, सासाराम, जमुई और भोजपुर जैसे जिलों में बिजली के संकट से राहत मिलेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से नालंदा और नवादा जिले को मुख्य रूप से फायदा होगा। इस योजना पर सीएम नीतीश की समाधान यात्रा के दौरान सहमति बनी थी। ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने कहा है कि नई 33 केवी लाइनें बिछाने से पुराने लाइनों पर ओवरलोड पर दबाव कम होगा। कैबिनेट की बैठक के लिए विभागों द्वारा भेजे जाने वाले प्रस्तावों में लेट लतीफी पर राज्य के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने विभागीय प्रधानों के समक्ष नाराजगी जाहिर करते हुए सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि कैबिनेट को निर्धारित बैठक से 2 दिन पहले हर हाल में संबंधित विभाग अपना संलेख प्रस्ताव निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को भेज दे, जिससे प्रस्ताव की समुचित जांच और समीक्षा कैबिनेट की बैठक से पहले की जा सके। आपको बता दें कि बीते दिन 45 प्रस्तावों पर नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगा है। उत्तरी बिहार में बाढ़ अपना विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा है। बीते दिन 5 बांध टूटने की खबर सामने आई है। बिहार में बाढ़ से राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 655 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। एसटीआरएफ को ये राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है। आज केंद्रीय मंत्रियों की टीम बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंची, साथ ही बाढ़ से हुए नुकसान का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि राहत कार्य के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना भी पहुंची है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में अब तक छोटी बड़ी नदियों पर 18 जगह तटबंध या रिंग बांध क्षतिग्रस्त हुए हैं। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी नहीं हो पाई है। इसमें से 3000 शिक्षक काउंसलिंग के लिए नहीं पहुंचे, वहीं अन्य शिक्षकों की काउंसलिंग अन्य कारणों से अधूरे रह गए। बचे 36000 शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए मौका देना है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की बैठक में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। समिति से विभाग ने पत्र के जरिए पूछा है कि जिन शिक्षकों के आधार नंबर, नाम और प्रमाण पत्रों में त्रुटि है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा के दौरान समिति के पोर्टल पर शिक्षकों द्वारा अपलोड आधार नंबर और प्रमाण पत्र आदि का मिलान किया जाना है। मिलान नहीं होने के कारण कई शिक्षकों की काउंसलिंग अधूरी रह गई है। अब समिति बताएगी कि कैसे इन त्रुटियों में सुधार किए जा सकते हैं। काउंसलिंग के बाद ही शिक्षकों की नए सिरे से पदस्थापना होंगे और उन्हें सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल पाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक ऐसे अवैध शराब तस्करी का मामला सामने आया है, जहां अवैध शराब की खेप ले जा रही थी लग्जरी वाहन हादसे के शिकार हो गई। इस दौरान 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल इस मामले की जांच मोतीपुर थाना की पुलिस कर रही है। पुलिस ने मृतक को पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भेज दिया है। आपको बता दें कि शराब तस्करों पर नकेल कसने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 3.0 की शुरुआत की है। ये यात्रा महात्मा गांधी की कर्मस्थली चंपारण से शुरू की गई थी। इस यात्रा का नारा सरकार बनाओ अधिकार पाओ रहा। अगले साल 2 अक्टूबर तक इस यात्रा का आयोजन कई चरणों में होगा। यात्रा की शुरुआत करने के दौरान मुकेश सहनी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने झुकती है। ये हमारी ताकत है। सरकार हमारे अधिकार को हनन कर रही है, इसलिए हम मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनाएंगे जिसमें हमारी भी सहभागिता होगी। आगे उन्होंने कहा कि आज तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिला है। पैसों के दम पर राजनीति हो रही है। लोग चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं। हम गरीब पिछड़े लोग हैं। जब तक हम जमीन पर मजबूत नहीं होंगे चुनाव नहीं जीत सकेंगे। आज से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की सियासी पारी शुरू हो रही है। प्रशांत किशोर के जनसुराज के साथ कई राजनीतिक लोग, पूर्व आईएएस आईपीएस खिलाड़ी और कई हस्ती जुड़ रहे हैं। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व आईएएस ललन यादव, बिहार विधान परिषद के सदस्य आफाक अहमद, स्वच्छ हिमालय मिशन से जुड़ी मालविका राज और कई लोग शामिल हैं। आज प्रशांत किशोर के जनसुराज के राजनीतिक दल की स्थापना हुई है। जनसुराज का हिस्सा बनने के लिए कई लोग पटना पहुंचे हैं। टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आखिरी बार वनडे विश्व कप में नजर आए थे। इस मुकाबले के बाद शमी की सर्जरी हुई जिससे वे अभी टीम इंडिया से दूर चल रहे हैं। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर शमी का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शमी काफी लंबे समय बाद अपनी बेटी से मिलते दिखाई दिए हैं। इस मुलाकात के दौरान वे भावुक भी हो गए। वीडियो में शमी अपनी बेटी आयरा को गले लगाते दिख रहे हैं, साथ ही बेटी के साथ मॉल में घूमते और शॉपिंग करते दिखाई दिए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है हितेश यादव, अनवर करीम खान, कुश कुमार यादव, जितेंद्र ठाकुर, नुनू गोलू कुमार, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, रामनवमी मांझी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, आलोक प्रियदर्शी, ओमकार सिंह, मनीष कुमार, पंकज कुमार, रवि यादव, रवि कुमार राम, घनश्याम खरवार, रामबाबू दास, प्रमिला कुमारी, आशुतोष कुमार, संतोष कुमार, नरेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, पद्माकर चौधरी, वैद्यनाथ ठाकुर, गुनर शर्मा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।